अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। देख लो भाई, वैदर देख लो साडा कैसा हो रहा वे। इन्नी शदीद धुप्पां रही ने, पर अज जड़ा वे कल भी बदल रहे, छोटा जहा टुकड़ा जड़ा है ना वो बरसिया, बहुत छोटा, थोड़ी देर लिए बारिश हुई, हल्की फुल्की जड़ी होंगी है ना, तेज़ बारिश नहीं, तो हल्की फुल्की बारिश हुई, मेरे ख्याल 10 मिनट भी नहीं हुई होएगी, और बस उस तो बाद फिर पूरा दिन धुप रही, और आज देखो पूरा बदल ही बदल हो रहा है, और गर्मी की लहर बरकरार रहनी है, रहे कि शायद बारिश हो जाए। ऐ देखो तो कल एक होर हैरत अंगेज़ गल हुई, ऐ देखो जी हैरत अंगेज़ गल ऐ हुई, असी सो के उठे तो बारिश तो कुछ कुछ कड़ियाँ पै चुकी, सन थोड़ी जी बारिश हो चुकी सी, तो यह रेत की कल बारिश हुई है, इस हर एक चीज़ के उपर तुम रेत नज़र आ रही। ये कल बड़ा खबरों में भी बड़ी इन रही जी गल के सैंडी सैंडी रेन हो गई है, इतने रेन हो गई है कि यह देखो जी बड़ा हर एक शहद उपर तुम गाड़ियाँ जड़िया ने, गाड़ियाँ तो भी बस मिट्टी मिट्टी, और सारे उन्होंने स्क्रीन और सब लोग उठे, और क्योंकि ऐसा टाइम सी कि ज़्यादातर लोग सो रहे सन, पर जो तो लोग उठे ना तो फिर पता चलिया कि भाई यह की होया, पता चलिया कि भाई ए अफ्रीका दे सहरा विच वो जड़ा आंधी 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 है, वो मिट्टी उड़ के बदलों में गई, बदल उड़ते उड़ते यूके वाल आ गए, तो यूके दे भी फिर कुछ हिस्सों में फिर बरसे, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं सर के, अगर बहुत ज़्यादा होंगी बारिश तो सारे फिर धुल जाता, इतने कभी गंद होंदा ही नहीं बारिश के नाल, पर यह बड़ी हैरत अंगेज गल हो गई है। देखो जी साड़ी सारी बिन्स के उपर तुम देखो तुम सारी मिट्टी नज़र आ रही है, इसी तरह मैं तुम गाड़ी भी दिखानी है अपनी, तो गाड़ी के उपर भी मिट्टी और मिट्टी, सारियां दे गाड़ियां बिना जड़ी जड़ी चीज़ें ऐसा पईया सन ना, सब मिट्टी हो गई, और बड़े लोग पल पूरा दिन जड़ा ना खबरों में मौजू रहा, BBC तभी खबर आई, और बड़ा लोगों ने भी कहता कि भाई देखो किस तरह की बारिश हुई है, कि सारी मिट्टी मिट्टी हो गई है, हुण जिहड़ी तेज़ बारिश होएगी यह धुल जाएगी, पर है कि कभी कभी इतफाकत भी होंगे ने, और दूसरी गल है कि अल्लाह ताला अपना आप दिखाता है, कुदरत वाली जात है, वो ताकत वाली जात है, दसती है कितों बदल उड़ते ने, किस तरह बरसांदा वे, किस तरह मीह पैंदे ने, किस तरह बदल बनते ने। तो बहुत दफ़ा असं सुनने जी मच्छियों की बारिश हुई है, फ्लामेंडको की बारिश हुई है, वो सारा इस तरह चक्कर होंगे, जमीन तो उड़ उड़ के छावा उपर चलिया जाने, बदलों में शामिल हो जाए ने। तो चलो भी मैं तुम्हें दिखाने वास्ते निकली सा, बड़ा सुबाका सुहाना मंजर है, काफ़ी मैं गल कर ली है, तो हूँ मैं क्या कहना नाश्ता करन लगी हाँ, अज मैं खिलाफ है मामूल जल्दी उठ गई हाँ, मेरी जल्दी अख खुल गई है, अज डॉक्टर के क्लीनिक पर भी असी जाना वे, तो इस तो फिर जल्दी मेरी बस हालांकि टाइम हाले काफ़ी पे है, पर मेरी अख खुल गई ना, तो बस फिर मैं आ गई बाहर, मैं कहा चलो एक बाहर का चक्कर लाइए और थोड़ा जहा गपशप कर लीए, हूँ मैं बनावा नाश्ता, उस तो बाद असी जावे डॉक्टर के कोल, तो वापस आके फिर तुहाडे नाल गलबात करांगे। ब्रैड असी ला लिया दे उपर, बहुत टेस्टी लगता, मैनू तो बड़ा ही चंगा लगता, बहुत फेवरेट है मेरा कि ये स्प्रैड ला के खाओ ना, आलमंड स्प्रैड बहुत ही मज़ेदार लगता वे। पैनकेक जड़ा वे अमेरिका दे बहुत लोग, अमेरिकन लोग बहुत खाते ने, उन्हां दी समझो फेवरेट है, इत्थे जड़े मिलते ने पैनकेक अमेरिका नालों बिल्कुल चेंज मिलते ने, अमेरिका दे थोड़े मोटे होंदे ने, उनका टेस्ट भी चेंज होंदा वे, पर इतने जोड़े मिलते हैं वो थोड़ा चेंज है, बहरहाल है कि बहुत शौक न खाते जाते हैं पैनकेक, और यह जरा स्प्रैड ला के तो बहुत ही मज़ेदार। वैसे अमेरिका में गई तो वो तो जरा दिता उन्होंने नाल
सीरम एक ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਰਪ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਨੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਕਵੀ ਸਬਰਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ ਲਓ ਭਾਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ 2 ਘੁੱਟ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਓ ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਆ ਚਾਹ ਜੇ ਲਓ ਬਈ ਨਾਲ ਬੋਇਲ ਐੱਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੈਨਕੇਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਚਮਚਮਾਉਂਦੀ ਗਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਗਾੜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕੈਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੇਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਸ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਆਫਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਖਾਸੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀੜੀ ਚੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਜਨੀ ਗਜਨੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਦੇ ਤਰਫ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਵੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਪਰ ਬਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਕਲਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਟਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਰ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਓ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਪੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਇਹ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਛਿੱਲ ਲਿਆ ਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਰਫ਼ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੀਨੀ ਜਾਏਗੀ ਚੀਨੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਵਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੈਂਟਾ ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਰਬਤ ਅਸੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਬਦਾਮ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਸ਼ਰਬਤ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ
ऐसा लगता है ठंडो ठार हो गया सब कुछ। बहुत अच्छा शरबत है, बहुत सारे लोगों ने पीता होएगा, कोई ऐसा ऐसी खास रेसिपी भी नहीं है, पर बड़ी इसकी फादियत बहुत है। गर्मी जो तो होंगी है साड़ी घर ते बढ़ता वे बादाम वाला शरबत, अगर चाहो तो इलायची भी पा लवो तो इलायची का भी फ्लेवर आ जाएगा। मेरे को थोड़े जो बेसन मगज़ बेसन में वो पा देते तो बड़ा अच्छा पिया लगता, बहुत चंगा पिया लगता, ठंडा ठंडा मीठा मीठा बादाम का शरबत। वाह भी वाह, मज़ा आ गया। इतनी गर्मी पै रही इतने कि याद आ गई, ये बचपन सब याद आ गया वे, कि जो बचपन च असी इस शरबत बना के पीने होंगे सा। तो बचपन तो मैं याद आया कि शबनम हुसनैन का परसों तरसों 3-4 दिन पहले मैसेज आया कि राहीला अब बचपन के वो किस्से दोबारा शुरू करें, पार्ट 2 शुरू करें, हम वो सुनना चाहते हैं, वो बातें बचपन की हम बात करना चाहते हैं। तो फिर मैनू उस बहाने भी उस दिन एक दिन कहा कि बाजी तुम तो इन सोहनिया गल्ला करते सो सू बचपन च लै जाते सो तुम पता नहीं हूँ वो जिक्र ही नहीं करते हो। मैं की करा, बाज़ लोग कहें बाज़ लोग इस तरह भी कहें तो पुरानी गल्लों बैठे करते रहते दफा है तो कोई सुनता ही नहीं है, वो पुराने जमाने कौन किसे सुनता है, एवं खाम खा अपना वक्त जाया करते हो, तो हूँ बंदा करे तो की करे। मैनू समझ नहीं आती, बहरहाल इस तरह में कि मैं फैसला किया वे कि चलो असी मी लॉर्ड असी फैसला कर लिया वे कि असी जरा हफ्ते एक दिन जरा है ना जरूर रखिए, एक हफ्ते एक दिन एक टॉपिक रखिए और उसी हिसाब न बोलीए। जड़ी जड़ी पुरानी चीज़ा सर टॉपिक तो बेशुमार ने, तो मैं तो चाहवागी कॉमेंट में तुम दसो शबीर हुसैन साहब ने उस्मान ने शबनम हुसनैन अगर देखन, क्योंकि शबनम हुसनैन डेली नहीं देखते ने, वो फिर जितने देखते ने जरूर कॉमेंट करते हैं। मेरे को दसो कि मौजू सुनना चाहते हो, खास खास कोई मौजू हो, या मैं अपनी मर्जी का ही कोई भी मौजू लैके गल कर लिया करांगी। तो इस तरह फिर असी गलबात सिलसिला असं शुरू करने हैं दोबारा, तो क्योंकि मैंने तो उस जमाने कभी भुलते ही नहीं, मैं खुद उन जमानिया की शौकीन हाँ, शौकीन नंबर वन हाँ, तो मैं हर वेले किसे ही सुनाती रहनी हूँ, मैं उन जमाने कभी भुलते भी नहीं ने, तो मैं ना ही भुलना चाहनी हूँ। तो चलो जी असी वो सिलसिला शुरू करनी है। बाकी शब्बीर हुसैन साहब तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मैनू मशवरे देते रहते हो, और तुसी की कहते ने नालों नाल तुसी वीडियोज़ भी देखते हो, कमेंट करते हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो, ना तुसी ये क्या कि तुसी जड़े गाने दे ना शॉर्ट्स बनाओ तो उन्होंने फिर तुसी कर रखो, वो तुहाड़ा ज़्यादा चलेगा शायद। चलो ठीक है, तुहाडे मशवरे ते अमल कर लैंदे आ बई। जे मेरे कहने का मकसद है कि जिहड़े लोग मेरे दुख दर्द के साथी ने ना, वो मैनू उन्होंने हर मशवरा उन्होंने हर गल बड़ी चंगी लगती है, तो मैं वो कर भी लैनी हूँ। इस कड़ी गल है कि भाई मैं वैसे भी गुनगुनानी हाँ, अगर मैं एक उदाहरण लगा तो शॉर्ट बना लाँगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंसान जो कामयाब होंगे ना वो कामयाबी के पिछे तो लहर लगी होंगी, लोग आके खड़े हो जाते हैं, यह अभी फलां बंदा देख वाले मिलन वाले वो पिछे एक लाइन बन जाती है बहुत ज़्यादा। पर जेड़े जो बंदा कल्ला होंदा, जो स्ट्रगल कर रहा होंदा, जो कोशिश कर रहा होंदा, उदों सिर्फ ताड़े जे मुखलिस साथी होंदे ने जेड़े नाल होंदे ने, कि उज़्मा हो गई, शबीर हुसैन साहब हो गए, लाइबा हो गई, माहम हो गई, आयशा हो गई, फिजा, नौशीन, नुशाबा, सॉरी नुशाबा, फिर साइमा, फिर आमना, इस टाइप के लोग जड़े ने फिर मेरे साथी ने कि मैनू मेरा हौसला बढ़ाते हो तुम सारे। तो बहरहाल ठीक है, असं भी नाल भी सिलसिला शुरू करने हैं, तो नाल अपना वो भी शुरू मैं करनी हाँ। तो उज़्मा ने बड़ा मज़ेदार कॉमेंट किया था, अच्छी थोड़ा जहा सालन दे रहे तो सानू, तो मेरे उत्ते बड़ा हासा आया, कभी मैं गुलाबों लिख देंगे ने, कभी उज़्मा ने कॉमेंट भी बड़े मज़े के मैनू लगते हैं, कि उज़्मा फिर मज़े मज़े की कॉमेंट कर देना, मैं पढ़ के हंसनी हाँ, उज़्मा मेरी गल्ला सुन के हंसते ने, तो मैं उज़्मा दी गल्ला जो कॉमेंट पढ़ के ना फिर बड़ा मैं हादसा आता। तो हूँ बस चल रही हूँ, मेरे इन्ना ही अज का मेरा खिताब इन्ना ही मुकम्मल हो गया, यकीन मनो कहना बौंदड़ गए हैं गर्मी के नाल, उसे क्लिनिक पर भी गए थे सर, इतने पखियों का सिस्टम तो है ही नहीं है ना, कि किसी जगह पखा मिलिया लगे हो छत पर चला दो, घर लोगों ने रखे हुए ने अपनी मदद आप दे तहत पखे,
ਦੇਖੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਦਰ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੁਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਸਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸ ਵਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਅਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਬਹਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ ਫੱਟੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ वो परी कहाँ से लाऊं तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं कि गोरी कोई पसंद ना आए तुझको छोरी कोई पसंद ना आए तुझको वो परी कहाँ से लाऊं तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं कि गोरी कोई पसंद ना आए तुझको ओ छोरी कोई पसंद ना आए तुझको अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।